जैसे कि हम आ चुके हैं फ्रेश वीडियो के साथ। गाइज आप पहले ये वाला जो पहला आपने क्लिप देखा वो वाला आपको कैसा लगा तो वो आप कमेंट करके मुझे ज़रूर से बताना। और गाइज हम आ जाएँ मिल्टा पावर, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा बंदे उतरे थे तो यहाँ पे तादाद ज़्यादा थी बंदों की, जिसमें से एक बंदे को नोक कर देता हूँ और शायद से इस वाले बंदे की ग्राफी लोड नहीं हो रही थी तो इसलिए इसे ईजिली भर देते हैं। और गाइज एक बंदा समझ नहीं आ रहा था उसे इतना डैमेज देता हूँ ये नोक क्यों नहीं होता है, तो मैं इसे इसके टीममेट को ही मार देता हूँ। तो गाइज इसे भी इजिली मार देता हूँ। मैं सोच रहा हूँ ये बंदा नोक क्यों नहीं हुआ, ये फिर से मैं जाता हूँ, मैं समझ जाता हूँ भाई मेरा शायद से पिन इशू है। तो फिर मैं देखता हूँ अपने पिन की तरफ तो यार पिन भी सही आ रहा है, तो मैं करता क्या हूँ कि मैं सोचता हूँ उसे बाद में देख लिया जाए कि पहले जो बंदे हैं उन्हें निपटाते हैं। तो यहाँ पे एक बंदा होता है, सभी को बराबर बराबर प्रसाद मिलता है यहाँ पे, और ये रिवाइव खेल लेते तो इसलिए बराबर बराबर प्रसाद मिलता है। और एक बंदा ऊपर गया था, इसी इन्हीं का लास्ट टीममेट होता, और देखो कहाँ लुटता होता है। इन्हें भी प्रसाद देते हैं, और गाइस ये पता नहीं कहाँ दुबका हुआ था, ऐसी जगह कि मतलब कोई एक्सपेक्टेड भी नहीं कर सकता। अब मैं आता हूँ वापस यहाँ पे क्योंकि मैं देखना चाहता हूँ ये, और गाइस फाइनली मर जाता ये बंदा। मेरे को तो लग ही नहीं रहा था ये किल मिलेगा, तो मैं ऐसे ही आ गया था ऊपर मारने के लिए। और गाइज यहाँ पे मैं एक टिप देना चाहता हूँ, जैसे कि आप कभी जोन में फंस जाओ तो आपको कोई व्हीकल नहीं मिल रही है, तो गाइज आप सिंपली क्या कर सकते हो, जो भी आप पे थ्रोबल्स यानी नेड या फिर स्मोक कुछ भी हो तो आप हाथ में लेकर अगर भागोगे तो आप थोड़ा सा पहले के मुकाबले आपका करेक्टर थोड़ा सा तेज़ भागेगा, ज़्यादा तो नहीं कहूँगा मगर लिटिल बिट आपका करेक्टर थोड़ा सा तेज़ भागेगा। तो गाइज अब ये वाला ट्रिक आपको पता थी या नहीं पता थी आप कमेंट में ज़रूर से बताना। खैर तो मैं आ जाता हूँ लिपोका के साइड, और गाइज यहाँ पे एक बंदा मुझे सामने ही दिखता है और जिसे कि मैं यूएमपी से नोक कर देता हूँ, और जैसे इस बंदे को नोक करता हूँ भाई इसके टीममेट पागलों की तरह रस मारते हैं मुझके मेरे ऊपर। तो गाइज अब एक यहाँ से एक बाइक वाला गुजरता है तो उस पर सबकी नज़र चली गई होती है, तो इन भाई को तो टोटली नॉक करने के बाद फिनिश कर देता हूँ। और ये वही बंदे होते हैं जो कि अभी मेरे को मारने की फुल टू फुल फिरात में रहते हैं, और अभी अभी आपको दिखा होगा एक क्रॉसिंग किया एक बंदे ने। अब मैं थोड़ा सा आगे क्लोज में जाता हूँ, और ये बंदा बहुत बड़ी गलती कर देता है, ये अपने आप से जंप नहीं मारना चाहता था आई थिंक, तो ये खाम का ये जंप मार के क्रॉसिंग कर लेता है, तो ये बहुत इसके लिए बुरा लगा। तो गाइज अब आगे जाते हैं, और एक बंदा पता नहीं कहाँ से फायरिंग कर रहा था, मुझे ही नहीं पता भाई मैं कब से ढूंढ रहा था इस बंदे को, और पता नहीं और इतनी लेट में ये बंदा मरता। अब देखो मैं रैंडम फायर देता हूँ, यहाँ पे मैं सिर्फ मरते मरते बचाऊँ, एक कीड़ी को देवता को मारने के लिए मैं जाता हूँ। और गाइज वो कोई जो कीड़ी की देवता जिन्हें अभी मैंने डैमेज दिया होता और वो जो डीपी वाला बंदा होता है वो मार देता, और मुझे इतना कंफर्म था ये आगे ही कहीं से मार रहा, और कहाँ से मार रहा वो नहीं दिख रहा आपको। अभी भी कीड़ी के देवता की बोट का धुआं जो दिखा आपको कीड़ी के देवता का वो दिखा होगा ग्रीन ग्रीन, तो गाइज वो इजीली भर देता है उसे। अब जैसे ही मैं फ्लैंक मारने की कोशिश करता हूँ उस वाले बंदे पर, और मुझे कुछ आगे से फुट स्टेप आते हैं जो कि साउंड होते हैं एक बंदे की, और मैं एक यहाँ पर रैंडम नेट कर देता हूँ, और मैं यहाँ पर प्रिडिक्ट कर ही रहा था शायद इसमें बंदा है, और एक्चुअली में एक बंदा होता भी है इसके अंदर, तो मैं इसमें रस मार देता हूँ बिना कुछ सोचे। जो कि मैंने अभी पहले नेड किया था उसे डैमेज इसे पड़ा था, तो इस वजह से वो बैंडेज लगाने लगता है, खासा डैमेज तो नहीं पड़ा था मगर इसे डैमेज पड़ा था। और गाइज अब इस वाले बंदे को मार देते हैं, अभी भी होता है डीपी वाला बंदा, अब देखो इसे अब कैसे मारते हैं। पहले एक मैं मोली करता हूँ जो कि मुझ पे दो मोलियां होती हैं, और यहाँ पे मैं उसे डैमेज कर देता हूँ, और यहाँ पे फिर से डैमेज कर देता हूँ, वो तो काफी ज्यादा डर गया, तो एक और मोली कर देता हूँ, और मुझे पता होता है कि मोली में ही अब जलेगा ये।
इस वाले भाई को तो बहुत ही ज़्यादा गंदा मारा है, जैसे बंदा खेल रहा था उसे बहुत ही ज़्यादा गंदा मार दिया। तो गाइज अब आ जाते हैं यहाँ पे, जो कि मेरे सामने से एक जाती है डासिया। तो गाइज अब ये वाला डासिया, अब इसे मैं कितनी देर तक ढूंढ मतलब पीछे लगता हूँ, अब इसे यहाँ पे ट्राई करता हूँ और यहाँ से भी बच जाता है तो आगे जाके रुक जाती है ये डासिया। अब बंदा देखो, अब यहाँ पे मैं पत्थर पे रोकता हूँ, शायद से आगे ही बंदा होगा तो मैं देखने लगता हूँ, बंदा दिखता नहीं है। तो गाइज अभी यहाँ से सोचता हूँ एक नेट कुक करेंगे और सिंपल से एक उसके तने पे मारेंगे पेड़ के, तने पे तो नहीं मगर थोड़ा सा आगे गिर गया, तो एक कौन स्मोक करता हूँ ताकि मैं जा पाऊँ वो जो सामने आपको पेड़ दिख रहा है वहाँ पे मैं जा पाऊँ और वहाँ से बंदे को मारने की कोशिश करेंगे। और आपको यहाँ पे एक सरप्राइज़ देखने को मिलता है, जो कि मुझे एकदम से सरप्राइज़ मिलता है। अब देखो गाइज वो क्या है सरप्राइज़ होता है। अभी एक मेरे पीछे बंदा और एक आगे बंदा, अब मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा डर गया था क्योंकि यहाँ पे भाई चार मतलब मेरे एक पीछे से भी मार सकता है और एक आगे से भी, और ये पेड़ तो आपको दिख ही रहा है कि ओपन है भाई, मैं किधर टीपीपी लूँ, और एक मेरे पीछे भी बंदा एक आगे भी। तो भाई मैं सब सीधी सोचता हूँ डासिया उठाता हूँ इसी की और निकल लेता हूँ यहाँ से, और पहले ऊपर वाले बंदे को मारेंगे क्योंकि उसने काफ़ी ज़्यादा परेशान कर दिया है, और वो होता है गिली सूट पहने हुए। आपको दिख गया होगा आई थिंक, और ये मुझे डैमेज करने की कोशिश करता। अब मैंने सोच लिया था अब अरे कुछ भी हो जाए अब इस बंदे को मारना है, चाहे मेरी पेटी क्यों ना बना दी ये बंदा। तो गाइज इस वाले बंदे को भी इजीली मार देते हैं, और ये भाई साहब गिली सूट पहन के बैठे हुए थे, तो गाइज इन्हें भी इजीली भर देते हैं। तो गाइज यहाँ पे थोड़ी बहुत लूट लेके जैसे ही जाता हूँ वो बंदा फ्लैंक मार देता है, मैं फिर से देखने की कोशिश करता हूँ बंदा दिखता ही नहीं है। अब भाई काफ़ी ज़्यादा मैं गुस्सा आ चुका था भाई, फिर से मैं सोचता हूँ यहाँ से निकल लूँ और फिर से, और यहाँ पे जोन भी आने आ रहा है, आपको दिख गया होगा कि भाई जोन भी आने वाला है और मुझे थोड़ा जोन में भी जाना है, हालांकि जोन दूर नहीं है मगर जोन में भी तो जाना है मुझे। और भाई वो भी बंदा आपको दिख गया होगा स्क्रीन पे, थोड़ा सा गया था अभी हल्की सी झलक, और मैं यहाँ से सोचता हूँ पहले जोन में निकल लेते क्योंकि यार मुझे जोन काफ़ी ज़्यादा डैमेज देगा, और उसके लिए डिसएडवांटेज ये हो गया था क्योंकि वो जोन में भी था उसे डैमेज भी पड़ता और मेरे लिए एडवांटेज यही था। तो गाइज़ अब उसे इजीली मार सकते हो, अब उसे जोन में आना है और मैं उसे इजी मार सकता हूँ, तो मैं यहाँ पे लगाता हूँ 4x। वो बंदा लेट के स्प्रे मार रहा था तो उसका स्प्रे काफ़ी ज़्यादा भाई मतलब तो गजब स्प्रे आता है, आपको पता ही है अगर कोई लेट के मारे स्प्रे तो। अब बारी थी अब मेरी, अब क्योंकि मुझे भी स्प्रे दिखाना, अब मैं काफ़ी देर से इधर उधर घूरता हूँ, अब वो बंदा कैसे आता है, अब उसे इतना डैमेज पड़ रहा था जोन से कि वो जोन में मैं इतना तो समझ गया था अगर इसे जोन में आना है तो ये डासे पे ज़रूर से आएगा, तो मैं दिख भी जाता है तो इजी भर देते हैं आप देख सकते हो। खैर तो इस वाले बंदे ने मेरा अच्छा खासा टाइम वेस्ट कराया था, तो गाइज फाइनली से मार भी देते, तो इस बात पे आप सब्सक्राइब तो कर ही सकते हो और एक वीडियो को लाइक। अब यहाँ पे देखा क्या ही थर्ड पार्टी की है, और दो टीम के बीच में थर्ड पार्टी की है तो भाई बहुत बड़ी बात है, वो भी इतने बड़े जोन में और एकदम मुंह पे वो भी ओपन में थर्ड पार्टी, तो यार बहुत बड़ी बात है ये तो। अब खैर तो अब सिर्फ और सिर्फ बचे थे एक पूरी स्क्वाड बची थी जिसमें से एक बंदे को उतार लेता हूँ। और टोटली फिनिश कर देता हूँ इस वाले बंदे को, और इस वाले बंदे को जैसे फिनिश करता हूँ और जब मैं देखता हूँ स्कोप ऑन करके तो मुझे सिर्फ और सिर्फ दो ही बंदे दिखाई देते हैं, यानी कि एक बंदा है अभी भी इनके टीम का नहीं है, यानी कि ये कोई और टीम का है। तो मैंने जब डिसाइड किया था कि एक बंदे को नॉक करूँगा तो तुरंत ही रस मारूँगा,
मैं पीछे की तरफ इन्हें बीट करने की कोशिश करता हूँ कि ये फायरिंग करे, क्योंकि फायरिंग ही नहीं कर रहे थे। जब फायरिंग करते तो इन्हें अच्छा खासा डैमेज देता हूँ। अब मेरे को लग रहा था शायद से वहीं पे होगा बंदा, और यहाँ पे एक नेट कुक करता हूँ, सॉरी स्मोक करता हूँ, ताकि पीछे से कवर बना रहे, क्योंकि मुझे पता है सिर्फ दो ही आगे बंदे हैं और इस साइड से कोई पीछे वाला भर ना दे, और मुझे पीछे की साइड जाना था, तो इस वजह से मैं स्मोक भी कर देता हूँ ताकि मेरी गाड़ी को फोड़ ना दे ये बंदे। एक बंदा ये ओपन में जा रहा था जो कि मैं उसे नॉक कर देता हूँ। अब बारी थी रस मारने की। अब मुझे पता था कि एक ही बंदा, और उसकी रिवाइविंग इतनी तगड़ी थी और इतनी क्विक थी भाई क्या बताऊँ। मैं वहाँ पे हेड भी देता हूँ उस बंदे को, और मैं नहीं चाहता था कि गाड़ी से मैं मरूँ, तो इस वजह से मैं गाड़ी को फटाक से फाड़ देता हूँ। और भाई मेरे को तो ये नहीं समझ में आया कि भाई ये नेट से मैं फट कैसे गया। वैसे इसने अच्छा दिमाग लगाया कि भाई एकदम से नेट कुक करके फेंक दिया। अब तुम्हारे सामने ही ओपन में बंदा था, तो मैंने उसे वो AKM से सोचा कि बंदे को मार दूँ, और बस यार यही था गेम प्ले। तो गाइज आपको ये वाला गेम प्ले अच्छा लगा तो आप मेक श्योर वीडियो को लाइक कर सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। आप बताना आपको कौन सा मूवमेंट अच्छा लगा, और गाइज आपको थर्ड पार्टी वाला अच्छा लगा, जोन सा भी आपको मूवमेंट अच्छा लगा तो आप मेरे को कमेंट में जाके बता सकते हो। मेरे को तो थर्ड पार्टी वाला मेरे को काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। तो गाइज बस तो यही था गेम प्ले, और बताना चाहता हूँ कि मैं 2000 सब्सक्राइबर के बहुत ज़्यादा क्लोज हूँ। तो गाइज हो सके तो जल्दी से जल्दी मेरे 2000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करा दीजिए। तो गाइज मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।